ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ओके, इस तरह हर मोड पे ये चलेगा, इसी पे सब कुछ रखना जो भी आपको बनाई है, ठीक है। अगर सीखने के लिए केक और कुछ भी करना है तो ग्रिल में, कॉम्बी में, कॉन्वेक्शन में ये यूज होगा। माइक्रो में कभी भी नहीं देना स्टील का बर्तन, भूल के भी नहीं, ठीक है। वो ग्लास का जो आता है ना, ग्लास का लीजिएगा तो सारा मोड में वो आपको चलेगा। हाँ, बोरोसिल या कोई, बोरोसिल तो कंपनी हो गया, टिमोरा जैसे दिया है, बहुत सा कंपनी है तो उसमें सब माइक्रो प्रूफ रहता है दिया हुआ। ये ग्लास और वो सॉरी ग्लास चलेगा, प्लास्टिक का नहीं चलेगा। बाकी ये सब जितना मैग्नेट है माइक्रो छोड़ करके बाकी सब में चलेगा। देखिए प्लास्टिक का है, यहाँ पे आपका ये चारकोल इंडियन, इसमें क्या है 1x1, 1x2, 1x3 सब दिया हुआ है ना, 2x1, 2x2 इस तरह से है। ये सिर्फ हम आपको फंक्शन बता रहे, उसका कैसे आएगा वो हम बता देंगे। इस प्रोग्राम का इतना सारा इसके लिस्ट के अंदर है, एक मोड में देखिए यहाँ तक है। फिर ये हेल्दी यहाँ पर है ना, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक है। इंडियन रोटी का यहाँ से यहाँ तक है, जैसे घी वगैरह हो गया, नान वगैरह हो गया, जो भी बनाना है इंडियन रोटी में आपको बनेगा, जैसे आपको घी बनाना है इनकेस, ठीक है। 2x1 है लाइन एक बार कीजिए ना, कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिएगा ना, जैसे अभी क्या बोलते हैं घी है ना, छोटा घी किसमें था आपका इंडियन, तो एक आया, दो हो गया, ये प्री हीट लेता है, कुछ भी कीजिएगा ना, प्री हीट लेगा पहले। बैठ जाइए भैया इसमें, इसी तरह का सारा प्रोग्राम आपका आएगा। किड्स में बनेगा आपका कॉर्न चाट वगैरह, पिज्जा वगैरह जो भी बनाना आपको, ये किड्स में आएगा। किड्स कुकीज वुकीज सब बनेगा उससे ना, कुकीज हाँ जो भी यहाँ पे देखे ना इसी में आएगा ना, किड्स में। ये आपको देखना होगा कहाँ पे क्या है, उपमा वगैरह, पोहा वगैरह, ढोकला वगैरह जो भी बनाना है जी। वो लिस्ट वाइज यहाँ पे आपको देखना होगा। उसके बाद ये फिर यहाँ पे स्टार्ट है, देखिए स्टार्ट किया ना जी, तो 1x1 आ गया। आपको पिज्जा बनाना 1x4 है, पिज्जा के लिए 1x4 देना है। हाँ, उसके बाद आप जैसे फिर स्टार्ट करेंगे ना तो आप कितना बना रहे हैं, कुछ भी पहले भी प्री हीट लेता है अंदर का वो तापमान को बनाने के लिए। ए बाबू छोटी देखो उसको है कुछ भी इस तरह, तो आप डायरेक्टली जैसे स्टार्ट कीजिएगा ना 30 सेकंड के लिए, आपको खाना बना हुआ, खाना गर्म करना है या फिर हाँ ये 30 सेकंड के लिए बढ़ाना, अगर 10 सेकंड है तो यहाँ से ऐसे 10 सेकंड करके बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपको 1 मिनट 1.5 मिनट बढ़ाना है फिर से कीजिएगा, 30 सेकंड करके बढ़ेगा ये किसी को क्लिक करने से। मान लीजिए फिर खोल के देखना चाहते हैं तो स्टॉप कीजिए पहले, डायरेक्ट नहीं खोल सकते हैं, डायरेक्ट खोलने पर रिस्क है ना, कभी अगर स्विच अगर डायरेक्ट रहा तो उसका जो रे होता है वो बॉडी पे लगेगा ना, बहुत डेंजर चीज होता है, तो स्टॉप करके हाँ स्टॉप करके ही खोलिए, तो प्रिकॉशन है खोलने के लिए, तो खोलिए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा स्विच है। अब स्विच के भरोसे रहिएगा तो अपना के अंदर भी है वो बटन, वो कवर नहीं देगा ना तो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बटन क्या दिया, सेफ्टी के लिए दिया कि आपको उंगली में करंट ना लगे, उसके बिना भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो वही चीज है इसमें। कुछ भी कैंसिल और ये स्टॉप इसी से होगा, जैसे ये प्रोग्राम हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं, एक बार तो स्टॉप हो गया दूसरा बार में कैंसिल हो गया, जो भी बनाना आपको इसके हिसाब से बनाना होगा। घी बनाने जाने हैं, उसके लिए हमने मलाई ले ली है दूध का, हम बॉल में डालते हैं, डालिए जी मम्मी डालिए। पास करने के लिए क्या है, जब भी खाना बनाए ना डालिए अंदर पोंछ लिया कीजिए टॉवल, अब इसको माइक्रोवेव में घी बना के दिखाते हैं, देखिए कैसे डालिएगा प्री हो
हीट होने के बाद ही आप डालें। इसको छूना नहीं बेटा, करंट मार देगा, हाँ नहीं छूना। ये मैम ऑन नहीं हो रहा है, घी है इसमें है आपका, यहाँ पे घी के लिए लिखा हुआ डायरेक्टली है ना, ये लिखा 2x1 है, ठीक है 2x1 दो बार दबाएं, 2 हो गया। अब बाय वन करना है, बाय वन इसको घुमाने पे, बाय टू करना है, बाय थ्री करना है ना, बाय थ्री और फिर उधर कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस में जा रहा उधर माइनस में जाएगा ना, साइन दिया हुआ। डालिए घी, डालिए, ठीक है, प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया, ये ना चालू मत सर, कढ़ाई में झोंसना पड़ रहा। ये देखिए दोस्तों, हम आज घर की छाली से दूध का छाली से घी बना रहे हैं, और कुछ वो तो रहा है, धीरे धीरे जा रहा नीचे, मतलब अपने बन के टेम्परेचर कम, कोई भी चीज एक साल की गारंटी देता है, मतलब ये सब और चीज में देते हैं 2-3 साल का गारंटी रहता है, सिर्फ वॉशिंग मशीन में 2 साल रहता है, आगे आप टीवी लेंगे ये सोनी कंपनी, इसका भी आपका 1-2 साल दिया होगा, 2 साल है सर। अच्छा वॉशिंग मशीन मेरा वो चल नहीं रहा, कितना में देंगे, लेंगे हाँ भाई बता देंगे, सब काम करते हैं ना, मेरे पास हाथ से बदबू आ रहा है, नहीं बदबू आ रहा नहीं आ रहा, बनी तो गया आपका, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी घी कितनी अच्छी बनी है, अच्छा खासा क्वांटिटी में भी इसमें बना है, इतना नहीं बनता फ्रेंड्स। माइक्रोवेव में आज हम आप लोग को देखिए घर के दूध का प्योर छाली से हम घी बनाए हैं, देखिए कितनी अच्छी कितनी सारी क्वांटिटी में घी बनी है, जब हम कढ़ाई पे बनाते चूल्हे पे तो इससे बहुत कम बनता है, इसमें देखिए क्वांटिटी कितना है फ्रेंड्स, हमारे घी है जो बन चुकी है, हम इसको एक कंटेनर बोतल में डाल देते हैं, देखिए ये जो घी का ये जो है ये छाली वो है, इसका घी जितना टपक रहा है इसको हम गिरा ले रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे कितना घी निकला है, ज़्यादा हमारे पास ये नहीं है, देखिए इसको ये साइड में कर दिए हैं, हम आपको दिखा देते हैं, देखिए इतना मेरे ओवन में घी निकला है, एकदम गंदा नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम क्लीन बना है, देखिए लोगों नया क्रिस्पी फूड में स्वागत है, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं घर में शुद्ध देसी घी कैसे बनाया जाता है, देखिए हम ये घर में घी बनाए एक जड़ा इस पर गंदगी नहीं है, एकदम क्लीन बना है, किसी तरह से हम दिखा देते हैं आपको, इसी तरह ओवन में घी बनाए, कढ़ाई में भी हम डाले हैं बना करके।